जो एक आप अनुभव करेंगे ना, कल्चर भी हिस्ट्री भी। चलिए चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। इस पर्वत के नीचे भी सूर्य का मंदिर है, उधर नीचे पुजारी पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग कंडाकोट की पहाड़ी पर पहुंच चुके हैं और आइए आपको ड्रोन शॉट से दिखाते हैं कि एग्जैक्टली कहां पे केव पेंटिंग्स हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास है, तो कई लोगों ने इसका अनुभव किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा डे 4 है सोनभद्र में और आज हम लोग सुबह सुबह निकले हैं शिव मंदिर के, फिर से शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, यहाँ पे बहुत सारे शिव मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं और शिव मंदिर भी बहुत सारे हैं। तो चलिए चलते हैं, शिव जी के दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग कंडाकोट पहाड़ी के पास पहुँच चुके हैं और इन ड्रोन शॉट्स में आप इस मंदिर के एक्सक्लूसिव और अद्भुत नज़ारे देखिए। हमको तो सोनभद्र की धरती पे आके ये फीलिंग आ रही है कि उत्तराखंड को तो देवभूमि बोला ही जाता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की देवभूमि अगर सही मायने में देखा जाए तो सोनभद्र है। कण कण में यहाँ पे भगवान समाए हैं, शिव समाए हैं, हर पल हर जगह आपको भगवान के कहीं ना कहीं दर्शन हो जाते हैं। हर पहाड़ी पे, कहीं रास्ते पे, कहीं मोड़ पे, कोई ना कोई बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही भव्य मंदिर है यहाँ पे। कितनी सुंदर ये पहाड़ी है, दूर दूर तक के प्रकृति ही प्रकृति दिख रही है और बीच में ये छोटा सा मंदिर। तो चलिए इसके बाद आइए ऊपर चलते हैं। करीब 300 से ऊपर सीढ़ियां हैं, फिर थोड़ी चढ़ाई चढ़ के फिर शायद मंदिर आएगा, ऐसा नीरज द्विवेदी जी ने अभी हम लोग को बताया। तो ऊपर चलते हैं और देखते हैं मंदिर फिर। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच चुके हैं कंडाकोट की पहाड़ी पर। यहाँ सामने आपको सीढ़ियां दिख रही होंगी, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन हाँ चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। कंडाकोट यानी कर्ण ऋषि की तपोस्थली कैमूर पर्वत श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित है। यह जिला मुख्यालय यानी कि रॉबर्ट्सगंज से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर है। यह वही जगह है जहां राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला ने अपने बेटे भरत का लालन पालन किया था। हम लोग कंडाकोट पहाड़ी पे हैं इस समय। यहाँ महादेव जी का मंदिर है। 299 स्टेयर्स चढ़ के आए हैं और अब ये पथरीला रास्ता है, आगे महादेव मंदिर को जाता है। यहाँ पे ऐसा बताया है स्थानीय लोगों ने कि केव पेंटिंग्स यहाँ पे भी हैं दो जगह, तो फिर उनको भी देखेंगे। चलते हैं, महादेव जी के दर्शन करते हैं। जब मैंने इस मंदिर के बारे में, इस पहाड़ी के बारे में लोकलाइट से बात करी, रिसर्च करी नेट पे, और नीरज जी जैसे जो मैंने आपको पहले से ही बताया था, शुरुआत से हमारे साथ हैं, उनसे बात करी, तो सबने यही बताया कि कंडाकोट पहाड़ी ऋषि कर्ण से एसोसिएटेड है और इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, वैदिक काल का इतिहास है इसका। आप लोग जैसे सामने देख सकते हैं, ये अद्भुत शिवलिंग है और शिवलिंग में पार्वती जी भी हैं। ये इस तरीके के मंदिर, इस तरीके के शिवलिंग भारतवर्ष में बहुत कम ही पाए जाते हैं, तो ये भी कंडाकोट पहाड़ी को और इस मंदिर को अपने आप में यूनिक बनाता है।
और जैसा फ्रेंड्स अभी आप लोग ने देखा, हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मंदिर के प्रबंधक भी आ चुके हैं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ मंदिर का सब प्रबंध देखते हैं जी, तो आप अपना नाम बताइएगा और यहाँ के बारे में बताइए कि क्या क्या आप लोग ने यहाँ पे। मेरा नाम धनंजय त्रिपाठी है। मेरा नाम धनंजय त्रिपाठी है और कंडाकोट विकास सेवा ट्रस्ट बना के हम लोग विगत 22 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। ये जब छोटे छोटे हम लोग बच्चे थे तो मेला के उद्देश्य जाते थे, मेला लगता था यहाँ बसंत पंचमी शिवरात्रि पर। लेकिन धीरे धीरे जो ही हम लोग लगे बड़े बड़ा होने तो हम लोगों को लगा आभास होने जिससे यहाँ स्वतः गिरजाशंकर सदैह निवास करते हैं। किदवंती भी लोग बताते हैं कि इस पर्वत के नीचे भी सोने का मंदिर है, उधर नीचे पुजारी पूजा करते हैं और प्रतिवर्ष मतलब बरहों महीना इस मंदिर से इस पर्वत से जल भी बहता रहता है जो इस साइड में जाता है। तो जब हम लोग पहले यहाँ आना आते थे तो चढ़ने के लिए सीढ़ी भी नहीं थी, आने के लिए रास्ते भी नहीं थे और ऊपर एक मंदिर था, मंदिर के ऊपर ये मंदिर था, मंदिर के ऊपर पटिया बिछा था और एक इसी तरह मड़ई लगी हुई थी। हम लोगों ने बहुत 70-70, 80-80, 90-90, 95-95 साल के लोगों से संपर्क किया, क्षेत्रीय लोगों से समझना चाहा कि आखिर कुछ मंदिर का इतिहास मिल जाए। लेकिन वो लोग भी यही बात बताते थे कि हम लोगों के बाबा भी ये बताए थे भैया मंदिर इसी तरह और जो है कि मूर्ति इसी तरह थी। तो फिर हम लोगों ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बना करके यहाँ लगे काम करने। अभी 4-5 साल पहले कर्नाटक के लोगों ने को अपने लेख के माध्यम से वो उनके वहाँ पे कर्नाटक में अपना आराध्य भगवान कर्ण ऋषि को ही मानते हैं लोग, जिससे हम लोग यहाँ गिरजाशंकर को मानते हैं उसी तरह दक्षिण भारत के लोग कर्ण ऋषि को ही आराध्य भगवान मानते हैं। तो अपने लेख के माध्यम से उनके लेख में मिला कि हमारे जो ऋषि भगवान थे वो सिद्धि कंडाकोट में ही पाए थे। तो वो वहाँ से पता करते 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 वो धीरे धीरे बनारस आए। बनारस जब आए तो बनारस से उनको पुरातत्व विभाग से जानकारी मिली कि कंडाकोट सोनभद्र में पड़ता है। तो वहाँ से फिर वो लोग यहाँ टूरिस्ट की गाड़ी करके आए, यहाँ यहाँ आए, दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद जो पुजारी थे उनसे हम लोगों का नंबर लेके संपर्क बनाए तो हम लोग भी उनसे आए मिले। तो वो लगे कहने की भैया हमारे आराध्य भगवान का स्थल है, यहीं पे हमारे भगवान ने सिद्धि पाई थी, तो हम लोग यहाँ मूर्ति बैठाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। तो पिछले के पिछले साल वो लोग मूर्ति भी कर्नाटक से बनवा करके यहाँ लाए, जिसको हम लोग पीछे इधर स्थापित भी करा दिए हैं जी। दो ऊपर ही भित्तचित्र भी दो जगह मौजूद हैं जो प्रमाणित करते हैं करोड़ों वर्ष पहले भी यहाँ आज मानव के रूप में लोग निवास करते हैं जी। बाकी हम लोगों ने तो देखा कि जो आया यहाँ से खाली नहीं गया, बहुत लोग हजारों लोग आते जाते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात के साथ साथ कलकत्ता, बम्बई से लोग भी आते हैं। ये कहते हैं भैया हम जो मांगे थे मिल गया, हम लोग इसकी मनौती पूरा करने आए हैं। बाकी इस तरह से हम लोग कर्ण मतलब रुद्रचंडी महायज्ञ ये 22वां वर्ष होगी, 21 वर्ष हम लोगों ने कर लिया है। ये 5 फरवरी से प्रारंभ होकर 13 फरवरी तक चलेगी। दिन में यज्ञ चलती है और रात में रामलीला का आयोजन होता है, जो सामने मंच बना है उसी मंच पे। अच्छा नीरज जी भी कुछ कहानी बताते हैं, आइए नीरज जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। बाकी तो इसको किला के रूप में असुर भी बनाना चाह रहे थे। इसके किनारे किनारे बाउंड्री बनी हुई है पुराने हजारों वर्ष पुराने, लेकिन ये शक्ति की वजह से बना नहीं पाए। यहाँ से भागे, जहाँ से भागे हैं असुर, उनका पाव भी ऊपर पड़ा हुआ है, दिखाएंगे आपको हम कितना लंबा उनका पाव है जी। नीरज जी आप क्या बता रहे थे, हम लोग जो ऊपर आ रहे थे। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी टीम की तरफ से, सोना एडवेंचर की तरफ से, और आप लोग की टीम का स्वागत करता हूँ कि आप लोग कम से कम इस क्षेत्र को एक नई दिशा और नई दशा देने के प्रयास में है। ये गिरजाशंकर धाम है, इसको कर्ण ऋषि कहते तो स्थली और अभ्रंश भाषा अभ्रंश में इसको कंडाकोट कहा जाता है जी जी। ये एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ था। इसको उभारने में 3 लोगों का नाम मुख्य रूप से है, एक माननीय धनंजय तिवारी जी हैं, एक सर्वेश त्रिपाठी और इसके संरक्षक हैं डॉक्टर वाई एन त्रिपाठी। इन लोगों ने काफ़ी अथक प्रयास किया है इसको एक सोनभद्र क्या पूरे भारत में एक नई अवस्था जो जर्जर अवस्था में थी उसको नई दिशा दिया इन लोगों ने, एक उसके मतलब बचपन को फिर से शुरू किया है जी जी। यहाँ पे राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी यहीं से शुरू होती है, ऐसा पुराणों में भी मिलता है कि राजा दुष्यंत शिकार खेलते आए और यही कर्ण ऋषि की तपस्थली थी, जहाँ पे कर्ण ऋषि के आश्रम में शकुंतला का निवास था जी जी। और शकुंतला आपको पता है कि वो ऋषि थे और अप्सरा थी मेनका और उनकी पुत्री थी शकुंतला,
और वहाँ पे फिर ये यहाँ पे उनका विवाह होता है इसी कौड़ेसी की तफसल में। और जब दुर्वासा ऋषि आते हैं और शकुंतला अपने पति के वियोग में बैठी रहती हैं, उनके पति चले गए होते हैं, तो उनका वो स्वागत नहीं कर पाती, तो उन्होंने शाप दिया कि जिसकी याद में तुम बैठे तुम्हें भूल जाएगा। जब उनको आभास होता है तो वो क्षमा मांगती हैं, तो उन्होंने कहा जो तुम्हें अंगूठी निशानी के रूप में दिया है उसी अंगूठी को दिखाओगे तो उसको याद आ जाए। तो बाकी कहानी आप इतिहास में पढ़ी होंगे, तो शकुंतला दुष्यंत के मिलन की कहानी, उनका विवाह, और यही इसी जंगलों में राजा भरत का पालन पोषण, और यहीं पे उनका बचपन बीता, इनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा भारत का। तो ये पौराणिक कथाएं हैं, और चूंकि हम लोग हिंदू मैथोलॉजी से हैं और हिंदू हिंदुइज्म से हैं, मानते हैं शिष्य को, तो उन कहानियों पे हम लोग को विश्वास है। जी जी जी। और यहाँ पे जैसा त्रिपाठी जी ने बताया कि साक्षात भगवान शिव और माँ पार्वती का निवास है, तो कई लोगों ने इसका अनुभव भी यहाँ किया हुआ है। जी जी। भैया आप आते हैं यहाँ पे क्या रोज? जी आप रोज आते हैं? हाँ, वैसा आते हैं। अच्छा, तो कब कितने साल से आ रहे हैं? 2-3 साल से आ रहे हैं। अच्छा, तो कुछ अपने छोटे थे तब फिर भी आते थे, तो कुछ अनुभूति की यहाँ पे, कुछ विशेष आपको अनुभूति हुई यहाँ पे आके? हाँ, बहुत अच्छी जगह है, शांति मिलती है, शांति मिलती है, अच्छा लगता है। और यहाँ पे जैसे बताया कि कोई मुराद मांगी तो वो भी पूरी होती हाँ, है। हाँ, मन्नत माँ पूरी करती है। फ्रेंड्स, हम लोग कंडाकोट की पहाड़ी पर पहुँच चुके हैं, और आइए आपको ड्रोन शॉट से दिखाते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे केव पेंटिंग्स हैं। फ्रेंड्स, आपको भी कैमरा शॉट में विजिबल होगा कि ये एक ओपन रॉक शेल्टर है जो अराउंड 10 फीट चौड़ा है, और ये मंदिर के ईस्टर्न साइड पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धनुष और तलवार लिए योद्धा दिख रहे हैं जो हाथी पे सवार है। यहाँ पे एक डॉग लाइक फिगर भी दिख रहा है जो अराउंड 5 सेंटीमीटर होगा। आज सोनभद्र की यात्रा समाप्त हो रही है। ये 3-4 दिन भी बहुत कम लगे, जो मैं सोच के आई थी उससे ज़्यादा है। यहाँ पे कल्चर भी है, यहाँ हिस्ट्री भी है। अगर आपको हिल्स का फील लेना है तो वो हिल वाली फीलिंग भी है, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना है, ट्रेकिंग करनी है, तो वो भी सब कुछ है। मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। गर्मी यहाँ पे दिन में 2-3 घंटे, जाड़े का टाइम है तब भी क्या कहते हैं दिन 12 से 3 बजे तक बहुत गर्म हो जाता है, शाम होते होते फिर ठंड हो जाता है। तो आप उस हिसाब से कपड़े लेके आइए, प्लस ट्रैकिंग के शूज़ होने चाहिए आपके पास, क्योंकि चलना फिरना बहुत पड़ेगा, पथरीले रास्ते मिलेंगे। और जो एक आप अनुभव करेंगे ना, कल्चर भी हिस्ट्री भी, वो एक अलग ही फील है, वो मैं शब्दों में बता नहीं सकती। वो आप आइए और फील करिए, एक बार आइए, आप कभी निराश नहीं होंगे। बाकी आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, कि आपको कैसा लगा। मैंने अगर रिकमेंड किया और मेरी वजह से आप गए तो ज़रूर बताइएगा। जो सोनभद्र के लोग हैं, शायद बहुत जगह छूट गई होंगी, छूटी ही होंगी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सी जगह छूटी हैं, तो मैं नेक्स्ट अपने व्लॉग में उनको कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज़ इसको जितना लाइक और शेयर करेंगे उतना ज़्यादा सोनभद्र में टूरिज़्म बढ़ेगा, और मेन हम लोग का मोटिव ही यही है कि सोनभद्र में टूरिज़्म बढ़े और यहाँ ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, लोग अपना शहर अपनी डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाहर ना जाएं, यहीं रहें, और लोग भी आएं इस सुंदर जगह का आनंद लें।